हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है सुकेश पटनागर, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस। और दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे साथ। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, जून का कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको मैंने इससे पहले पार्ट वन में पढ़ाया था, और वहाँ पे हमने काफ़ी सारी न्यूज़ को कवर किया था दोस्तों। तो उसी को लेके आज हम बातचीत करने जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं ये आपका जो है पार्ट टू है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को एक बार लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। अब हम करते हैं अपनी कहानी को स्टार्ट। देखते हैं भाई हमने कहाँ तक पहले पढ़ लिया था, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। हाँ भाई, ये जरूरी है बताना, ये भाई जितना भी करंट पढ़ रहे हैं, आपको पता है बैंक, SSC, रेलवे या आपके स्टेट लेवल के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलो दोस्तों, पहले देख लेते हैं हमने कहाँ तक की कवर्स कर ली थी आपकी न्यूज़ को। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको एक बार ध्यान दिला देता हूँ। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने आपको 94 नंबर, यहाँ तक की कहानी मैंने आपको बताई थी। तो इससे आगे की कहानी को मैं स्टार्ट करूंगा। अरे भाई, ये कैसे हुआ, ये आगे जाना पड़ेगा मुझे। वेट 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 वेट, रुके रहो, बस चल रहे हैं दोस्तों। 94 वाली ओला ओला, अरे भाई ओला वाली न्यूज पे रुक जाना दोस्तों। तो हमने जो है ओला तक की न्यूज कवर कर लिया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं दोस्तों मैं, कि कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा, तो आप एक काम करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट का, वो आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था आप सभी के साथ, ठीक है। तो चलिए करते हैं फिर अपनी कहानी को शुरुआत। अब हम करेंगे इससे आगे के करंट अफेयर्स को कवर। लीजिए भाई, तो पहली न्यूज आपके सामने, लीजिए। तो भाई बहुत ही अच्छी न्यूज, अभी हाल ही में HBO Max जो है उसके डायरेक्टर MD बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं मिस्टर अमित मोहलत्रा जी। तो वार्नर मीडिया ने ये बोला है कि हम जो है अमित जी को क्या बना रहे हैं, HBO Max का मैनेजिंग डायरेक्टर बना रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया रीजन के लिए। एक सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है, आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, अगर मैं बात करूँ हेड कौन है HBO Max इंटरनेशनल के, तो इनका नाम है जोनेस लार्चर, ये आप ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी रंजीत सिंह डिजेल, जैसे कि आपको पता होगा ये महाराष्ट्र के सोलापुर से बिलोंग करते हैं और एक मात्र प्राइमरी टीचर है ना, अभी इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड भी मिला था दोस्तों, पता हो शायद। तो इनको चुन लिया गया है वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर। तो याद रखिएगा, जून 2021 से जून 2024 तक के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनको एजुकेशन एडवाइजर चुना गया है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लीजिए भाई। भाई अभी हाल ही में प्रदीप चंद्रन नायर जी को चुना गया है 21st डायरेक्टर जनरल, किसका, असम राइफल्स का, जिसको हम जो है जनरली सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो असम राइफल्स के अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, प्रदीप जी बने हैं। आपको सीधे तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पता होना जरूरी है। चलिए इसके बाद अगर दोस्तों बात किया जाए, तो अभी लगातार चौथी बार हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको मिला है दोस्तों गोल्ड रिकॉग्नाइजेशन, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्नाइजेशन के तहत यह बात कर रहे हैं। और ये जो इनको गोल्ड रिकॉग्नाइजेशन मिला है दोस्तों, बिलो 25 मिलियन पैसेंजर पर एनम कैपेसिटी कैटेगरी के अंतर्गत मिला है। एक्चुअली दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, बिलो 25 मिलियन अलग, प्लस वाली अलग। तो बिलो 25 मिलियन के अकॉर्डिंग मिला है इनको आपका हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्या, ग्रीन अवार्ड, ये आपको पता होना जरूरी है। लगातार कौन सी बार, चौथी बार मिला है। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में कोची मेट्रो रेल ने और स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाथ पांव मिला है, मतलब एग्रीमेंट साइन किया है, कितने करोड़ का, 747 करोड़ का, किस चीज के लिए, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। तो सिंपल वे में आपको ध्यान रखिएगा, तो ये अभी हाल ही में क्या करा गया, एक MOU साइन किया गया है, किसके द्वारा, आपके कोची मेट्रो और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट केरल के द्वारा साइन किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए दोस्तों, भाई इंडिया ने बोला है कि इंडिया जो है जल्द ही 8 नए फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमिक्स जो है बनाने जा रहा है, ठीक है, और इंडिया को मिल जाएंगे, ऐसा आपको बोला गया है। और ये जो अकेडमिक्स होंगे 5 एयरपोर्ट जो है हमारे, ठीक है, वहाँ पे किए जाएंगे, कहाँ कहाँ, जैसे कि बेलागवी, जलगांव, कालाबुरागी, खजुराहो और आपका
लीलावरी। तो इन 5 एयरपोर्ट्स पर यहाँ पे हमारे बनाए जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये बात बोली गई है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल है मिस्टर आर के माथुर जी, इन्होंने एक योजना लॉन्च की है योन टैप। और दोस्तों ये जो योन टैप है, ये स्टूडेंट्स जो है उनको बांटी जाएगी यहाँ पे 12,300 टेबलेट्स, जिससे कि उनको स्किल्स प्रोवाइड किया जा सके, उनको पढ़ाया जा सके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और याद रखना दोस्तों, ये 6 से 12th क्लास के दोस्त स्टूडेंट्स को बांटी जाएगा। लद्दाख के बारे में बात करा जाए तो ले कारगिल इसकी कैपिटल है दोस्तों, और आर के माथुर क्या है इसके आपके LT गवर्नर है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी हाल ही में बिहार के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार, जैसे कि हम सब जानते हैं, तो इन्होंने अभी अनाउंसमेंट कर दिया है 33% रिजर्वेशन गर्ल्स का, किसमें दोस्तों, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में बिहार में। मतलब बिहार में अब इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। बिहार के बारे में बात करा जाए तो दोस्तों पटना यहाँ की कैपिटल है, और फागू चौहान जी यहाँ गवर्नर और नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अगली न्यूज देखते हैं आपके साथ। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में पंजाब कैबिनेट ने बोला है कि हम एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे, जो कि हमारा क्या करेगा, आपके जो सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम्स है जो मल्टी विलेज लेवल की, उसको ऑपरेट करेगा, उसको मेंटेनेंस को देखेगा। मतलब वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए बात यहाँ पे बोली गई है, कि स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने के लिए पंजाब सरकार के द्वारा। चलिए, पंजाब की कैपिटल जानते हैं दोस्तों चंडीगढ़ है, और यहाँ के जो अमरिंदर सिंह जी चीफ मिनिस्टर, और यहाँ पे जो है बात करा जाए गवर्नर जी कौन है, वीपी सिंह बारनौरे ये गवर्नर के तौर पे काम कर रहे हैं। अगली न्यूज बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी हाल ही में IT मेजर, जैसे कि आप जानते हैं विप्रो है ना, विप्रो का नाम आपने सुना ही है, तो विप्रो ने अनाउंस कर दिया है पार्टनरशिप फिनस्ट्रा के साथ, और ये हेल्प करेगा कॉर्पोरेट बैंक्स को। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बैंक को एशिया पैसिफिक रीजन में मदद करने के लिए, उनको डिजिटलाइज करने के लिए बैंकिंग सिस्टम को विप्रो और फिनस्टर ने दोनों ने हाथ पांव मिला है, मतलब एग्रीमेंट साइन किया है, पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी हाल ही में फेडरल बैंक ने बोला है कि हम लेके आ रहे हैं जो सी फेरर होते हैं हमारे, यानी कि जो समुद्र में देखा होगा आपने नाविक, जिन्हें आप बोल सकते हो आसान भाषा में, उनके लिए एक सेविंग अकाउंट जिनका नाम रखा गया है NR सेविंग अकाउंट स्कीम। तो यहाँ पे बोला गया है ये जो स्कीम है NRE सेविंग अकाउंट और NRO सेव SB, यानी कि ये जो आपके नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट होता है और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी होता है, दोनों की फॉर्म में अवेलेबल होगा, तो ये आपको पता होना जरूरी है। फेडरल बैंक के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, तो याद रखना अलुवा में इसका हेडक्वार्टर KL, और श्यामा सेवी निवासन इसके क्या है, CEO है, और इसकी टैगलाइन भी ध्यान रखिएगा, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इसके दोस्तों क्या है टैगलाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीजिए भाई, हम सब एक नाम जाते हैं, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड ने दोस्तों 254 करोड़ रुपए आपके जो है सेंक्शन कर दिए हैं, जिससे कि 2 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट उड़ीसा में लगाए जा सके, और किसके तहत, RIDF फंड के तहत, यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत, ऐसा आपको बोला गया है। अब ये कहाँ कहाँ पे लगेंगे देख लेते हैं। एक तो दोस्तों पूरी डिस्ट्रिक्ट में बोला गया है, और एक आपका जजपुर डिस्ट्रिक्ट में बोला गया है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। उड़ीसा के बारे में बात किया जाए तो भुवनेश्वर कैपिटल, नवीन पटनायक जी चीफ मिनिस्टर हैं, गणेशी लाल जी यहाँ के क्या हैं गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, और याद रखना यहाँ पे एक पर्पस है, यहाँ पे इन्होंने वो अपना एक टारगेट रखा है कि हम रूरल पॉपुलेशन को 2022 तक क्या कर देंगे, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे। इसी को टारगेट को पूरा करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं दोस्तों। चलिए अगले न्यूज देखते हैं। लीजिए सिंपल जो अभी चेन्नई सर्किल जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, वहाँ पे अभी नए चीफ जनरल मैनेजर आए हैं, और इनका नाम है बी शंकर, तो ये पता होना चाहिए, बस खत्म काम, एक लाइन का करंट अफेयर्स है ना, तो बी शंकर जी ये चुने गए हैं, याद रखिए। लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बैंक का नाम सुना होगा आपने, प्राइवेट सेक्टर बैंक के RBL, बोले तो रत्नाकर बैंक लिमिटेड, याद रखना दोस्तों रत्नाकर बैंक लिमिटेड इसका पहले जाना जाता था, अब शॉर्ट में RBL बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विश्ववीर आहूजा जी को इनका मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO रीअपॉइंट कर दिया है इन्हें 1 साल के लिए, मतलब अब ये जो है 1 साल के लिए और चुन लिए गए हैं, और ये 30 जून से इनका टर्म स्टार्ट हो चुका है, मतलब 30 जून को, मतलब समझ गया, अब ये 2022 तक ये रहेंगे, 1 साल के लिए रीअपॉइंट कर दिया है RBI ने। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भैया भाई, अभी हाल ही में एक ग्रुप है
आपने ब्रांड है कपड़े का पेनेटन सुना होगा, तो इसने अनाउंस किया है कि हम राम प्रसाद श्रीधरन को बना रहे हैं अपना बेनेटन इंडिया के लिए नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमडी, यानी कि सीईओ और एमडी के तौर पर किसको बनाया गया है, राम प्रसाद जी को चुना गया है बेनेटन ग्रुप के द्वारा, और ये सुदीप छुग को रिप्लेस करेंगे, सुदीप जी की जगह आएंगे, ये भी पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लीजिए बच्चों, अभी हाल ही में डेविड डियॉग ये जो है पहले फ्रेंच ऑथर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत लिया है, किसके लिए, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ब्लड इज ब्लैक ये इनका नोबेल है, इसके लिए इनको जीता गया है, ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो यहाँ पे एक ट्रांसलेटर है इनका नाम है एना, तो ये इनका नाम भी चुना गया है विनर ऑफ द अवार्ड इन ए वर्चुअल सेरेमनी, ठीक है, तो इनका नाम भी यहाँ पे बोला गया था, और यहाँ पे बच्चों ये दोनों शेयर करेंगे कितने आपके 50,000 आपका ये जो पॉन्ड है ये इनको मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी हाल ही में नीति आयोग ने थर्ड एडिशन निकाला है, कौन सा, थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020 से 21। अब याद रखना इस इंडेक्स में जो टॉप किया है वो केरल ने करा है, पहली चीज। यूटी में बात करें तो चंडीगढ़ टॉप पे रहा है, ठीक है, और इस बार का जो थीम रहा है दोस्तों वो भी याद रखना, पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलो अगली न्यूज देखते हैं फ्रेंड्स, लीजिए भैया भाई, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसका नाम है रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी और रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 से 25। अब इस रिपोर्ट का जो थीम है वो क्या है, प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल फॉर बेटर एनवायरमेंट, मतलब बायोफ्यूल को प्रमोट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे अभी हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है E100 एथेनॉल 100, मतलब यह है इसका डिस्पेंसिंग स्टेशंस का, जो हमारे पुणे में तीन लोकेशंस पे लगाए जाएंगे, मतलब तीन लोकेशंस पे लगाने की बात बोली गई, ऐसा हमें बोला गया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना दोस्तों, गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि हम जो है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल जो हम पूरा कर लेंगे 2025 तक करेंगे, और पहले टारगेट 2030 था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है याद रखिएगा। आगे देखते हैं, लीजिए भाई भाई, अभी हाल ही में विवेक राम चौधरी जी को चुन लिया गया है नेक्स्ट एयर स्टाफ का वाइस चीफ, तो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं दोस्तों, विवेक राम चौधरी जी बने हैं, और इन्होंने किसको रिप्लेस करा है, HS अरोड़ा जी को रिप्लेस करा है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखा जाए, लीजिए दोस्तों भाई, अभी हाल ही में इंडियन ओरिजिन फोटोग्राफर हैं हमारे जिनका नाम है, जो केरल से संबंधित है दोस्तों, याद रखिए कहाँ के रहने वाले हैं, केरल से, और इनका नाम है दोस्तों थॉमस विजयन साहब, तो थॉमस विजयन जो कि अब एट प्रेजेंट कनाडा में रह रहे हैं, इनको मिलाना है, इन्होंने जीता है 2021 नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड, याद रखिए। अब किस टाइटल के लिए जीता है भाई, फोटोग्राफ में कुछ तो होगा ना, कुछ तो फोटो में होगा, द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन, क्या बात है, एक टाइटल इन फोटोग्राफ का, इस टाइटल के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। लीजिए भाई बहुत बढ़िया भाई, टेनिस में नंबर वन प्लेयर वर्ल्ड के नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के बिलोंग करते हैं, और इन्होंने बच्चों अभी हाल ही में एलेक्स मॉलकैम को हरा दिया है, और मेन सिंगल्स फाइनल जीतला है बेलग्रेड ओपन टूर्नामेंट का, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ये जो है इनकी 83rd नंबर ATP ट्रॉफी है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अभी हाल ही में 5 जून वाले दिन एक डे बनाया गया बेटा, वर्ल्ड डे अगेंस्ट स्पेसिस स्पेसिसिज्म, तो ये जो डे होते हैं स्पेसिसिज्म, मतलब जैसे हम जो कहते हैं ना किसी के, मतलब डिफरेंस राइट्स हो गए, वैल्यूज हो गए, हम किसी का भेदभाव जो करते हैं ना, जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसको खत्म करने के लिए बनाया जाता है 5 जून वाले दिन, ये आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों अभी 5 जून वाले दिन डे और होता है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग, तो इस ये भी हमारा 5 जून को होता है, और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दोस्तों बनाया जाता है। एक्चुअली ये जो यूएन है उसने 2022 को डिक्लेयर करा है दोस्तों, याद रखना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिजनल फिशरीज एंड एक्वा कल्चर, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये तो 2022 का मतलब अगले साल का भी क्वेश्चन बन गया है, ये आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। लीजिए भाई अभी हाल ही में 6 जून वाले दिन दोस्तों बात करें तो एक डे बनाया गया रशियन लैंग्वेज डे,
ये क्या आपको पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए बच्चों, ये यूनाइटेड नेशन की जो 6 हमारी ऑफिशियल भाषाएं हैं उसमें इसका नाम भी आता है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। यूनेस्को के बारे में बात किया जाए तो यूनेस्को ने इसे 2010 में क्या करा था, इस डे को सेलिब्रेट करना शुरू करा है 6 जून वाले को। लीजिए भाई, अभी हाल ही में 7 जून वाले दिन दोस्तों डे मनाया गया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस बार का जो थीम रहा था सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो, कितनी अच्छी बात है ना, आज का खाना बचाओ भाई भविष्य के लिए, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये भी पता होना जरूरी है। अगली न्यूज़ के बारे में दोस्तों बात किया जाए, अभी हाल ही में अनुराग ठाकुर जी जो हैं उन्होंने लॉन्च किए हैं 6 मॉड्यूल्स, एक शॉर्ट फिल्म है किसके, ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जिसका नाम है हिसाब की किताब, मतलब एक तरीके से हिसाब की किताब नाम का एक शॉर्ट फिल्म है जो कि लोगों को इन्वेस्टमेंट से संबंधित अवेयर करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो हिसाब की किताब एक शॉर्ट फिल्म है जिसमें 6, जैसे होती है ना सीरीज टाइप की होती है वेब सीरीज, 6 छोटी छोटी फिल्मों को लेके बनाया गया है, याद रखिए। आगे देखते हैं, लीजिए भाई बच्चों, अभी हेडलबर्ग सीमेंट जो कि अगर बात किया जाए, इसने बोला है कि हम जो है एक अपना जो प्लांट है ठीक है अपग्रेड करेंगे प्लांट स्वीडिश आइलैंड में, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट होगा, याद रखना। तो वर्ल्ड का फर्स्ट जो है आपका कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बनाने की बात बोली है किसके द्वारा, हेडलबर्ग सीमेंट के द्वारा, और ये जो बनाने का बात किया गया है 2030 तक इसको बना लिया जाएगा। स्वीडन के बारे में बातचीत करता हूँ अगर मैं फ्रेंड्स, तो इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी क्रोना है और स्टीफन लोफवेन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लो भैया भाई, अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस, किसकी, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की। तो जैसे कि आपने देखा बच्चों, अभी पिछले कुछ समय पहले कोविड-19 के कितना खतरनाक रूप हमने देखा है जिसके कारण हर कोई था परेशान, तो उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए बेटा उड़ीसा ने होम डिलीवरी शुरू कर दी है, किसकी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, जिससे परेशानी लोगों को फेस ना करनी पड़े। उड़ीसा के बारे में आपको पता ही है, आप स्ट्रेटेजिक घर पर पढ़ा करो बेटा, जिससे आपको रिवाइज होता रहे। लीजिए भाई, अभी हाल ही में प्रमोद सावंत जी जो गोवा के चीफ मिनिस्टर जी हैं बेटा, उन्होंने लॉन्च किया है सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, और ये रूरल हाउसहोल्ड्स के लिए लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम मतलब क्या है आप समझ सकते हैं, सोलर एनर्जी की मदद से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी और लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। लो भाई बच्चों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इम्प्लीमेंट करने जा रहा है महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी कि मैप्स, और इससे क्या होगा, इम्प्रूव करने से वो एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है यूथ को, ऐसा यहाँ पे बोला गया है ठीक है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लो भाई बच्चों, यूरोपियन कमीशन ने बोला है कि अभी यूरोपियन यूनियन और एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फाउंडेड है जो कि बिल गेट्स के द्वारा प्लान किया जा रहा है ठीक है, मतलब यूरोपियन यूनियन और एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो बिल गेट्स ने बनाया है, ये दोनों मिलकर रेस करेंगे अप टू $1 बिलियन ठीक है, जिससे कि लो कार्बन टेक्नोलॉजीज को बनाया जा सके और क्लाइमेट से लड़ा जा सके, मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं आसान भाषा में, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने के लिए यहाँ पे इन दोनों ने टारगेट रखा है ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लो भैया, फेसबुक का नाम तो जानते ही आप है ना, तो फेसबुक ने अभी हाल ही में एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है, ये प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को लर्निंग, लॉ स्टूडेंट्स के लाया गया है, जिससे कि वो आपके जो टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर रिसर्च कर सकें और अपने आप की पढ़ाई या अपने आप को आगे बढ़ा सकें। अब दोस्तों याद रखना, एक प्रोग्राम है यहाँ पे लॉन्च किया गया है फेसबुक के द्वारा जिसका नाम है टेक स्कॉलर्स, मतलब फेसबुक इंडिया टेक स्कॉलर्स फिट्स फिट्स प्रोग्राम, ये किसका है, FB का है याद रखिएगा, और ये जो है हमारे शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी इसके साथ मिलकर ये इसका नॉलेज पार्टनर है, जैसे लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। लो भैया भाई, अभी हाल ही में हर्ष कुमार भनवरा साहब जो नाबार्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, इनको अभी ओमनीवोर एक हमारा एग्री टेक वेंचर कैपिटल फर्म है, इसने अपना बना लिया है सीनियर एडवाइजर 1 जून से, याद रखिएगा। चलो अगली न्यूज के बारे में बात किया जाए तो बच्चों, भी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और डेप्यूटेशन बेसिस बने हैं हमारे कौन, विद्या प्रकाश जी को चुन लिया गया है, विद्या प्रकाश बन गए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो ये आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, एक एक रैंक क्वेश्चन है तो लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जैसे कि आप जानते हैं 5 जून वाले दिन होता है विश्व पर्यावरण दिवस है ना, तो 5 जून को बनाया गया,
और इस समय जो CII इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है और आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, इन दोनों ने हाथ मिलाए हैं, यानी कि MOU साइन किया है, और ये ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे आर्किटेक्चर डिजाइनिंग और प्लानिंग में यूज करेंगे, मतलब एनवायरमेंट को नुकसान ना हो इस तरीके से प्लानिंग करने की बात बोली है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, भाई अभी न्यूजीलैंड ने बोला है कि ये जो है लेटेस्ट कंट्री था जिसने अभी नासा के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, कौन सा, स्पेस एग्रीमेंट, ऐसा अभी न्यूजीलैंड के द्वारा बोला गया है। तो लेटेस्ट नेशन कौन है जिसने अभी हाल ही में नासा के साथ स्पेस एग्रीमेंट साइन किया है दोस्तों, याद रखना आपका न्यूजीलैंड। चलिए आगे देखते हैं। लो भाई बच्चों, अभी हाल ही में इंडियन नेवी का ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है जिसका नाम है INS संद्राहक, इसको अभी डीकमीशन कर दिया गया है। और ये कहाँ पे करा गया है, विशाखापट्टनम में दोस्तों, ये भी पता होना जरूरी है। इंडियन नेवी के बारे में बात किया जाए तो 26 जनवरी 1950 में बनाया गया था। एडमिरल करमबीर सिंह इसके क्या है दोस्तों, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। और नेवल, अगर मैं डिप्टी चीफ के बारे में बात करूँ तो रवनीत जी हैं, ये भी पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, अभी 2021 फॉर्च्यून 500 की लिस्ट आई है जिसमें कॉग्निजेंट जो कि एक आपकी IT फर्म है वो 85th नंबर पर रही है, आपको पता होना जरूरी है। और ये कहाँ की कंपनी है दोस्तों, आपका US बेस्ड है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। ये आपको अच्छा न्यूज़ है, सिंपल में पूछ सकता है कॉग्निजेंट कौन से नंबर पर रहा है, तो आप याद रखना 185th नंबर पर रहा है। आगे देखते हैं। लीजिए बच्चों, अगले न्यूज़ के बारे में बात किया जाए तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश BJP MLA नरेंद्र बत्रा जी की डेथ हो चुकी है, प्रवक्ता नरेंद्र बत्रा जी जो है इनकी हाल ही में बच्चों डेथ हो गई। ये 68 ईयर्स के थे, तो 68 के उम्र में इनके बच्चों हाल ही में पॉलिटिशियन थे, एक सिंपल में आप ध्यान रखते हैं ठीक। ये जो है बच्चों इलेक्ट किए थे विधानसभा के लिए पहली बार 1998 में, ऐसा आपको बोला गया है। फिर ये हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, है ना, ये सब चीज़ें। HP के बारे में बात करा जाए तो बच्चों दोस्तों जयराम ठाकुर जी यहाँ के क्या है, ये आपको पता होना जरूरी है, CM, और बंदारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर के तौर पर काम कर रहे हैं ठीक है। चलो आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों भाई, अगली न्यूज के बारे में अगर बात किया जाए तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 रिलीज हो गई है। एक्चुअली हुआ क्या है, अभी लंदन बेस्ड है ये, QS का मतलब होता है क्वैक्वेरेली साइमंड्स ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म है। इसने अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 निकाली है। अब याद रखना दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, बेस्ट 400 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में इंडिया की 8 यूनिवर्सिटी आई हैं, और केवल 3 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं दोस्तों जिनका नाम हमारा है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बंगलुरु, जो कि टॉप 200 में रही है। बस बताओ, देखो IIT बॉम्बे रहा है बच्चों 177 नंबर पे, फिर IIT दिल्ली 185 पे, और IISc 186 पे रहा है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए, जो हमारा नंबर वन पे रहा है वो MIT रहा है, मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसने दोस्तों टॉप किया है, ये आपको पता होना जरूरी है ठीक है। लेकिन याद रखना पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों, इसमें कोई ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसको 100% नंबर मिले हैं, स्कोर मिले हैं, और वो है कौन, IISc बेंगलुरु, ये आपको पता होना जरूरी है, 100/100 का स्कोर मिला है ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए भाई, अभी हाल ही में अल सेल्वाडोर पहला देश बन चुका है दुनिया का जिसने बिटकॉइंस को लीगल टेंडर स्टेटस दे दिया है पूरी दुनिया में। और अल सेल्वाडोर के बारे में बात करा जाए तो उसकी कैपिटल है सैन सेल्वाडोर, करेंसी US डॉलर है, और ये प्रेसिडेंट है इसके नयीब बुकेले। चलिए आगे देखते हैं। लो भैया बच्चों, अभी हाल ही में इंडो थाई कॉर्पेट इंडिया थाईलैंड के बीच में जो हमारा एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हो चुका है, 31st एडिशन कहाँ पे, अंडमान सी में, ये आपको ध्यान रखिएगा। और इसमें इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट कर रहा है सरयू पार्टिसिपेट करेगा, ये आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखा जाए। लीजिए भाई बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर योर एग्जामिनेशन, वीरेंद्र सहवाग जी ने बच्चों अभी हाल ही में लॉन्च करा है क्रिकेट कोचिंग जिसका नाम है क्रिकुरु लॉन्च करा है, किसके द्वारा, सहवाग जी के द्वारा। और ये इंडिया का पहला AI अनेबल कोचिंग वेबसाइट है, ये आपको पता होना जरूरी है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जितने भी प्लेयर्स हैं उनको डेवलप किया गया है पर्सनली वीरेंद्र सहवाग के द्वारा, यहाँ पे बात बोली गई है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लो भैया बच्चों, क्रिस ब्रॉड का नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना, तो ये बन चुके हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो फाइनल है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, तो ये जो हमारे ICC रेफरी हैं ये वहाँ पे आपको दिखेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और ये आपका कहाँ होगा, साउथहैम्पटन में होगा, 18 जून से स्टार्ट होंगे, याद रखिएगा ठीक है। चलिए
और आईसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता है ग्रेग बार्कलेज है और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, याद रखना। आगे देखते हैं, लो भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, अभी हाल ही में असम को मिल गया है एक नया नेशनल पार्क और उसका नाम है देहिंग पटपेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो है उसको सेवन नेशनल पार्क बना दिया गया है, राज्य का पता होना जरूरी है। अब इसके बनने से, नेशनल पार्क बनने से सेकेंड हाईएस्ट स्टेट बन चुका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में है जहाँ पे 9 नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, भाई बहुत बढ़िया। अभी हाल ही में सुनील छत्री जी ने जो है क्या कर दिया है, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे कर दिया है और ये बन गए हैं सेकेंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर, ये आपको पता होना जरूरी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अगला क्वेश्चन लीजिए बच्चों, अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के जो नोबेलिस्ट हैं सी सी डांगरमंगा, क्या नाम है इनका, डेंजर बाबा से याद रखो है ना, डेंजर एम्बरगा, तो इनको अभी पेन प्रिंटर प्राइज 2021 के लिए चुन लिया गया है, ऐसा सम्मानित किया गया है। तो सिंपल वे में पेन प्रिंटर प्राइज किसको दिया गया है, सीसी को दिया गया है, ऐसे याद रखो। और ये जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं दोस्तों, ये 2020 बुकर प्राइज के लिए भी हुए थे, द मोरनेबल बॉडी, इसके लिए इनको चुना गया था, ठीक है। और इस बार जो पेन प्रिंटर प्राइज दिया जा रहा है, तो इसके लिए इनको जो है, जो हमारे वायरल ट्रुथ है जो इन्होंने समाज के सामने लाया है, उसके लिए चुना जा रहा है। जो पेन प्रिंटर प्राइज जो होता है 2009 में बनाया गया था और ये हेरोल्ड प्रिंटर के रेस्पेक्ट में बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं भाई, बहुत अच्छी न्यूज़। अभी हाल ही में एलआईसी के चेयरमैन मिस्टर एम आर कुमार जी, जैसे कि हम सब जानते हैं, इनको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये मार्च 2022 तक आपके क्या करेंगे, ऐसे एलआईसी के चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे। एलआईसी का हेडक्वार्टर बच्चों मुंबई में है और 1956 में से बनाया गया था, याद रखना। चलिए अगला देखते हैं न्यूज़ क्या है दोस्तों, लीजिए भाई, अभी हाल ही में फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को बना दिया है अपना ग्रेवियंस ऑफिसर, ये आपको पता होना जरूरी है। तो सिंपल वे में, जैसे अभी व्हाट्सएप के मैंने पहले वाले पढ़ा, क्लास पढ़ाए थे, अब मैंने यहाँ पढ़ा दिया, फेसबुक के कौन बनी है स्फूर्ति प्रिया, क्या ग्रेवियंस ऑफिसर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लीजिए भाई, अभी हाल ही में बात किया जाए तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसका जो मोटो है वो मेक इन इंडिया है एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, ऐसे यहाँ पे अभी डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा बोला गया है, ये आपको पता होना जरूरी है। एक्चुअली दोस्तों अभी हुआ क्या था, इंडिया स्वीडन डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन हुआ था, तो वहाँ पे ये बात हमारे राजनाथ सिंह जी के द्वारा बोली गई थी, तो आपको पता होना जरूरी है। द मोटो ऑफ आत्मनिर्भर भारत इज मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, ये हमारा याद रखें। अगला कुछ, अगले न्यूज देखते हैं रोजी बच्चों, अभी हाल ही में फॉर्मर मंगोलियन प्राइम मिनिस्टर उखना कुलसरेशु, ये जो कि हमारे कंट्री के छठे डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये चुन लिए गए हैं, तो याद रखिएगा। तो सिंपल वे में अभी हाल ही में जो है आपके मंगोलिया के क्या बने हैं, नए प्रेसिडेंट बने हैं जिन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं, उनका नाम है उखना जी, आपको पता होना जरूरी है। मंगोलिया की कैपिटल उलान बटार और टोगरो किसकी करेंसी, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगली न्यूज के बारे में दोस्तों बात करा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो अभी हाल ही में जो माली है यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं जिनका नाम है चोगेल कोकाला माएगा, क्या नाम रखते हैं प्यारा प्यारे से, चोगेल कोकाला माएगा बने हैं अभी हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर कहाँ के, माली के, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है असीमी गोइटा है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, माली की कैपिटल क्या है, बामाको, और करेंसी है फ्रैंक, याद रखिएगा। लीजिए दोस्तों बच्चों, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट का, EIU का सर्वे हुआ है 140 सिटीज को लेकर, और यहाँ पे स्टेबिलिटी हुआ, एजुकेशन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, इन सब पे लेके बातचीत की गई है। और इसमें अगर बात किया जाए तो न्यूजीलैंड का एक जगह है ऑकलैंड, ये जो है वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी है, याद रखना, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा शहर जहाँ पे रहा जा सकता है, सुविधाएं हैं, वो है न्यूजीलैंड का ऑकलैंड, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लो भैया भाई, अभी हाल ही में प्रोजेक्ट मुंबई एक कैंपेन चलाया गया है आपके महाराष्ट्र में, और इसमें क्या होगा दोस्तों, प्रोजेक्ट मुंबई में के तहत अगर बात किया जाए तो ये जो प्रोजेक्ट है बहुत सारे एनजीओ ने मिलकर चलाया, पहली बात तो ध्यान रखना, ठीक है, वेरियस एनजीओ ने मिलकर चलाया है जिससे कि कोविड-19 से लड़ाई जा सके। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है क्या बोला गया है, खाना चाहिए प्रोग्राम भी चलाया गया है जिससे कि जो बेचारे इतने गरीब लोग हैं जो अपने भोजन नहीं खा पाते, बेचारे भूखे सो पाते, उनकी मदद की जा सके, है ना। आगे देखते हैं लीजिए भाई,
बच्चों अभी हाल ही में गवर्नमेंट गुजरात की सरकार ने बोल दिया है कि हम कम्प्लीटली प्रॉपर्टी टैक्स को सिनेमा हाउसेस से मल्टीप्लेक्स और जिम से खत्म कर रहे हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 2022 के लिए ड्यू टू पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए। और ये अभी बात बोली गई थी विजय रूपानी जी के द्वारा, जिनके अंदर में कमेटी को चेयर किया गया है, आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। चलिए आगे देखा जाए। लो भाई बहुत अच्छी न्यूज़ भाई, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है, अनुप्रति कोचिंग स्कीम। ठीक है, तो ये स्कीम लाए हैं चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम, जो कि हमारे जो सिविल सर्विसेज और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वहाँ पे आपको तैयारी करवाएगा, है ना, सस्ते में या फ्री ऑफ कॉस्ट की तैयारी होगी। जो स्टूडेंट एससी एसटी अदर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं या फिर EWS कैटेगरी से, वो इसमें फ़ायदा ले सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये फ्री कोचिंग देने की बात बोली गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। लो बच्चों बहुत बढ़िया, बच्चों पंजाब राज्य पहला बन चुका है जिसने EIDs इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया है, जो NFC टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। NFC मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशंस। देखा होगा दोस्तों अपने कार्ड वगैरह जो होता है ना, उस पर ऐसे वाईफाई का सिंबल बना होता है, तो आप कहते हो सर वाईफाई वाला सिम, वाईफाई वाला कार्ड वाईफाई नहीं है बेटा, वो होता है NFC। NFC मतलब उसको स्वैप करने की जरूरत नहीं है, वो दूर से ही आपको कैच कर लेता है, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। लो भाई दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने जून में बात बोली है कि इंडिया का जो GDP इकोनॉमी का ग्रोथ है 2021 में हो सकता है 8.3% और 2022 में 7.5%, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने बोला है। वर्ल्ड बैंक के हेड है डेविड मलपास, और इसका हेडक्वार्टर Washington DC, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। लीजिए भाई, जो अभी हाल ही में इंडियन बैंक ने फिजडम के साथ हाथ मिलाया, जो एक वेल्थ टेक कंपनी है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा हमारे बैंक को, जो हमारे बैंक के 10 करोड़ कस्टमर उनको हेल्प करेगा, याद रखिएगा। और याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है इंडियन बैंक का, चेन्नई में, पद्माजा चुंदरू जी यहाँ के MD CEO, और यहाँ के टैगलाइन भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। अभी हाल ही में कैरिक्स मोबाइल, जो इंडिया का लार्जेस्ट कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म एज सर्विस प्रोवाइडर है, इसने अभी क्या करा है, एक्सिस बैंक ने जो है इसका यूज करके आपका व्हाट्सएप चैट आपकी प्रोवाइड करने शुरू कर दिया है, व्हाट्सएप पे बैंकिंग या फिर व्हाट्सएप बिजनेस सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया है। किसने, एक्सिस बैंक के लिए किसने दोस्तों, कैरिक्स मोबाइल ने, तो ये आपको पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं। लो भाई अभी हाल ही में आर किशोर कुमार जी, जो कि हमारे जो है स्टेरलाइट कोपर, ठीक है, इसको इन्होंने अभी तो ज्वाइन कर लिया है, हेड के तौर पे काम करेंगे, ठीक है। स्टेरलाइट कोपर जी जो है, एक्चुअली यहाँ पे दोस्तों क्या है, आर किशोर कुमार जी ना, ये हमारे वेदांता जो है ना, उसके आपको वो हैं वेटरन रह चुके हैं, ये ग्रुप को अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिसको हेड है स्टेरलाइट कोपर जी, ठीक। और ये स्टेरलाइट कोपर जो है एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो इनकी जगह अब ये बनेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ऐसे है, सॉरी सॉरी बेटा, इसमें थोड़ा सा मैंने गलती से उल्टा पढ़ लिया। एक्चुअली क्या है, ये कंपनी है स्टरलाइट कूपर, ठीक है बेटा, तो इसके जो है अभी हाल ही में जो CEO उन्होंने क्विट कर दिया है, यहाँ पर बोला गया है, जिनका नाम है पंकज जी, पंकज छोड़ दिए और आर किशोर जी बन गए, बस इतना सिंपल था। यानी कि एक कंपनी है, एक्चुअली ये मुझे लगा कोई अंग्रेज का नाम कंपनी आ गया, वो नाम ऐसे होते हैं ना दोस्तों, पंकज जी की जगह कौन आ गए हैं बेटा, याद रखना आपका आर किशोर आ गया, बस सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं। लेशियो बच्चों, अभी हाल ही में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है EQUBA, तो अभी इसमें क्या हुआ है, ऋचा अरोड़ा जो है उनको चुन लिया गया है मैनेजिंग आपका पार्टनर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके लिए ESG यानी कि एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जो है इसका, उसके बिजनेस के लिए इनको इसका एप मैनेजिंग पार्टनर चुन लिया गया है, याद रखिए, ऋचा अरोड़ा जी का। आगे देखते हैं। लो भाई भाई बहुत बढ़िया बच्चों, UNSC ने रिकमेंड किया है कि एंटोनियो गुटरस जी को अनदर सेकेंड टर्म के लिए इसका सेक्रेटरी जनरल चुना जाए। और सेकेंड टर्म कब से स्टार्ट होगा बेटा, 1 जनवरी 2022 से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 5 सालों के लिए अनदर इन्हें चुन लिया गया है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। और ये दोस्तों याद रखना, ये पोर्टुगल से बिलोंग करते हैं, गुटरस जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं पोर्टुगल के, ये भी पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए
भाई अभी हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च करा है एक न्यू ई फिलिंग पोर्टल, और इसका नाम है दोस्तों 2.0। मैं आपको बताता हूँ, और इसका जो बोला इनिशिएट किया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीडीटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। लो बच्चों, अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद ने बनाया है नैनो फाइबर बेस्ड कंट्रोल्ड रिलीज ओरल टेबलेट ऑफ एम्फोटेरेसिन, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सके जो कि COVID-19 के कारण हो रहा है। आपने देखा होगा बच्चों, ब्लैक फंगस वगैरह न्यूज थी ना, उससे संबंधित है ये इसका आपने इन्होंने टेबलेट बना लिए, नहीं तो पहले इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जा रहा। आगे देखते हैं। लो भाई साहब, भाई अभी हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 बना चुकी है, और इसको रिलीज किया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन। एशिया यूनिवर्सिटी रिलीज हो गई है। तीन इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं दोस्तों जो टॉप 100 में हैं। कौन कौन सी? IISc बेंगलुरु, रोपड़ और इंदौर। याद रखिएगा, बेंगलुरु रहा है 37th नंबर पे। और इसके अलावा बात किया जाए तो जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आपकी IIT रोपड़ है वो 55वें नंबर पे रही है, और IIT इंदौर 78th नंबर पे रही है। टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में बात करें तो नंबर पे चाइना का मामला है, सिंगोनिया यूनिवर्सिटी, और दूसरे पे भी वही पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की। तो नंबर 1 याद रखना, और इंडिया की रैंकिंग जरूर याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए बेटा, अभी हाल ही में बच्चों एक बुक है लिखी गई है स्किलेट के लिट, और ये लिखी गई है रोनी स्क्रू वाला, तो नाम सुना होगा, फिल्म प्रोड्यूसर है, इन्होंने लिखी है, और पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, अगर बात किया जाए तो अभी हाल ही में इंडियन एक्ट्रेस हैं तिलोत्तमा सोमे, इनको जो है बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया जा रहा है 2021 यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में। ये बहुत अच्छी बात है, और ये जो नाम अवार्ड दिया जा रहा है, इनकी फिल्म है राहगीर द वे फेयर्स, और इसको जो डायरेक्ट किया गया है गौतम भोसे ने किया है, याद रखना। और ये 23rd एडिशन हो रहा है यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल का, जिसमें अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। और याद रखना, गौतम भोसे को यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड मिला है, ये भी बताऊंगा जरूरी है। आगे देखा जाता है दोस्तों। लो भैया, भाई एक नाम सुना आपने इकरा का, तो इकरा ने अभी प्रोजेक्टेड किया है कि इंडिया की इकोनॉमी 2021 से 22 के लिए प्रोजेक्शन कितना, 8.5%, ऐसा यहाँ पे इकरा के द्वारा बोला गया है। इकरा का हेडक्वार्टर दोस्तों गुड़गांव में पड़ता है। एन शिवरामन इसके क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ये 1991 में बनाया गया, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी हाल ही में बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन इन 2020 के मामले में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है वो US ट्रेडर्स को हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि US ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है किसमें, बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन 2020 में, ठीक है। चाइना जो है सेकंड नंबर पे रहा है, और इंडिया की रैंकिंग है 18वें नंबर पे, याद रखना। पहला वाला याद होना जरूरी है US, दूसरा है चाइना, और इंडिया 18वें नंबर पे, ये आपको पता होना जरूरी है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। लो भाई, भाई अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड विनिंग बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे, इनका नाम है बच्चों बी दास गुप्ता जी, या फिर बुद्धा देव दास गुप्ता, इनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है बच्चों। इन्होंने जो है, इनको जो है अगर बात किया जाए, देखो ये पिक्चरों के नाम इनके सामने देखें, कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया, क्या क्या इनका, कौन कौन सी फिल्में इन्होंने बनाई है ना। फाइनली इनका अभी हाल ही में क्या हो गया, डेथ हो चुका है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए दोस्तों, बच्चों अभी बहुत इंपॉर्टेंट, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले बॉक्सिंग स्टार डिंगो सिंह, इनकी भी डेथ हो चुकी है दोस्तों, लीवर कैंसर से बेचारे इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। और याद रखना, इन्होंने गोल्ड मेडल दिया था 1988 एशियन गेम्स में, जो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, और याद रखना इनको 1998 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना जरूरी है। लीजिए अगली न्यूज के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों, थैस जो थैस हमारा एक डिफेंस और एरोस्पेस ग्रुप है, इसने आशीष सराफ को वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया के लिए चुन लिया गया है 1 जून 2021 से, आपको पता होना जरूरी है। और याद रखना दोस्तों, एमिले डी रॉक्यूकली, ये जो है इन्होंने इनको रिप्लेस किया है, और इनको जो है नया रोल दे दिया गया है एज ए VP का, और हेड ऑफ सेल्स इन मिडिल ईस्ट का रोल दे दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए दोस्तों, बच्चों अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या फर्स्ट वुमेन फुटबॉल एसोसिएशन की फर्स्ट चेयर वुमेन बन चुकी है, वुमेन चेयर करेंगे, जिसका नाम है डेवी डेवी हैविट, और ये बच्चों जो इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन है, ठीक, उनके द्वारा इनका नाम चुना गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो सिंपल वे में आपको पता होना जरूरी है कि अभी हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की फर्स्ट चेयर करने वाली फर्स्ट वुमेन कौन है दोस्तों, इनका नाम है डेवी हैविट, इनका नाम आपका चुना पता होना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगली न्यूज क्या है आपके लिए।
लो भाई, बहुत प्यारा बच्चों। अभी हाल ही में फरारी का नाम तो सुना होगा। फरारी ने बोला है कि हम अपने नया कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुन लिए हैं और इनका नाम है बेनेडिटो फिगना। तो ये अभी हाल ही में नए इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? जॉन इल्कन इल्कैन को इन्होंने रिप्लेस किया है, याद रखिएगा। फरारी के बारे में बात करा जाए तो हेडक्वार्टर्स का इटली में पड़ता है और भाई ये 1947 बनाई गई थी किसके द्वारा? एंजो फरारी के बारे में। अगले न्यूज की तरफ देखते हैं। लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, रशिया ने बोला है कि वो पहला नेवल शिप बनाने जा रहा है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। लो भैया, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा मजबूत होगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और ये जो है हमारा क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है और सब मेराइंस को डिस्ट्रॉयड भी कर सकता है, ठीक है? तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बनाने जा रहा है कौन? रशिया। क्या आपका स्टेल्थ वॉरशिप? रशिया के बारे में बात करा जाए, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट, मॉस्को कैपिटल है और करेंसी आपको रूबल है, पता है दोस्तों। आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी आपने एक नाम सुना होगा आर एस सोधी जी का, है ना? आर एस सोधी हमारे जो अमूल कंपनी का नाम सुना होगा आपने, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, उसके एमडी हैं। इनको भाई रीजनल अवार्ड दिया जा रहा है, रीजनल अवार्ड एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन फ्रॉम एशिया प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन टोक्यो जापान के द्वारा। तो मतलब इनको, ये पहले इंडियन बन चुके हैं जिनको ये बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड, याद रखिएगा आर एस सोधी जी। चलो अगली न्यूज देखते हैं। लो भैया भाई, अभी हाल ही में हेमंत बिस्वा सरमा जी ने लॉन्च किया है शिशु सेवा स्कीम। तो आपको पता होना चाहिए शिशु सेवा स्कीम लॉन्च किया गया, इसमें 3500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे बच्चे को, जिससे कि उनको सपोर्ट किया जा सके। जनरली बच्चे उन लोगों के लिए जो कोविड-19 के कारण ऑर्फन हो चुके हैं, यानी कि अनाथ हो चुके हैं बेचारे। अगली न्यूज के बारे में बात करा जाए तो लीजिए बच्चों, अभी भारत पे का नाम सुना होगा। भारत पे ने लॉन्च क्या कर लिया है, एक मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया, इसको एक्वायर कर लिया है, इसको खरीद लिया है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये पता होना जरूरी है। भारत पे का हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में 2018 में बनाया गया और अश्नीर ग्रोवर इसके सीईओ हैं, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा पानी पीता हूँ बेटा, मेरा गला गया है, बैंड बजिए गले का बोलते बोलते। 1 सेकंड को पानी पीता हूँ फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। वेट, 1 सेकंड का समय दीजिए प्लीज मुझे आप। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कहानी तो क्लियर हो गई होगी आपको बेटा। आगे के न्यूज़ से दोस्ती करते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में के नागराज नायडू, इनको चुना गया है शेफ डे कैबिनेट। तो ये आप याद रखना, शेफ डे कैबिनेट कौन चुने गए हैं दोस्तों? आपके नागराज नायडू जी को चुना गया है और ये 1 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं, ऐसा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगले न्यूज़ देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत अच्छी न्यूज बच्चों, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो खरीफ फसल होती है उस पर बढ़ा दिया है। कितने परसेंट? 3.7% हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर बोला गया है कि हमने जो है क्या करा है, इंक्रीज कर दिया 3.7% के अराउंड। चलिए आगे देखा जाता है। लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, यूएन यूएस सीनेट ने अभी हाल ही में पाकिस्तानी अमेरिकन जाहिद कुरैशनी जो नॉमिनेट करा है इनको बच्चों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन न्यू जर्सी के लिए, और ये पहली मुस्लिम फेडरल जज है कंट्री की हिस्ट्री में, याद रखना, ठीक है? तो ये आपको पता होना जरूरी है, फर्स्ट मुस्लिम है। देखिए भाई, अगली न्यूज के बारे में बात करें तो वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी जी, जो कि भाई आप पता ही, आंध्र प्रदेश के हमारे चीफ मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च करा एक स्कीम, जगन्ना थोड़ो स्कीम। एक्चुअली ये बच्चों जो हमारे छोटे और पैटी वेंडर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना, उनके लिए, उनको हेल्प करने के लिए लाया गया है और इसमें इंटरेस्ट फ्री 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ये भी पता होना जरूरी है। आंध्र प्रदेश के बारे में आपको पता है दोस्तों, हरिचंदन जी यहाँ के गवर्नर और जगन मोहन रेड्डी साहब यहाँ के क्या हैं, चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। अगली न्यूज देखते हैं। लीजिए बच्चों, अभी हाल ही में लद्दाख के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं, उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, जो जितनी भी लद्दाख की जॉब्स हैं वहाँ पे रेजिडेंट को रिजर्व कर रहे हैं, मतलब रेजिडेंट के लिए, वहाँ के लोगों के लिए रिजर्व करने की बात बोली गई है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा लद्दाख सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं। लीजिए जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया है अभी, जहाँ
वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन कोविड-19 को प्रमोट करने के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, जहां वोट केजरीवाल जी बोले हैं, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन लाया जाएगा जिससे कि लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। अनिल बैजल यहाँ के LD लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर दोस्तों याद रखना काम कर रहे हैं, ये भी पता होना जरूरी है बेटा। लीजिए अगली न्यूज। बच्चों अगली न्यूज के बारे में बात किया जाए तो पे नियर बाय ने लॉन्च किया एक इंश्योरेंस सॉल्यूशन और उसका नाम है पूर्ण सुरक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा पूर्ण सुरक्षा कौन लाया है, पे नियर बाय लाया है, बस खत्म। अब याद रखना यह है इसके लिए इसने कोलेबरेट किया है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ये भी आपको पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं, लीजिए भाई। भाई अभी हाल ही में विप्रो के नए चीफ एक्स इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं CIO और इनका नाम है अनुप पुरोहित जी। एक सिंपल जो हमें क्वेश्चन होना पता होना जरूरी है, तो अनुप पुरोहित बने हैं अभी हाल ही में क्या CIO यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगली न्यूज देखते हैं, लीजिए बच्चों। बच्चों अभी हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा बोला गया है कि बांग्लादेश के जो नेक्स्ट आर्मी चीफ होंगे उनका नाम होगा सैफुद्दीन अहमद जी। अहमद जी को बनाया जा रहा है दोस्तों आपके नए आर्मी चीफ और ये अजीज अहमद जी को रिप्लेस करेंगे जो कि प्रेजेंट में काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के बारे में कैपिटल है दोस्तों इसकी ढाका, करेंसी है टका और शेख हसीना यहाँ की क्या है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रही हैं, याद रखिएगा। चलिए अगली न्यूज देखते हैं फ्रेंड्स, लीजिए भाई। बच्चों अभी एक ग्रुप है QX ग्रुप, QX ग्लोबल ग्रुप, इसने बोला है कि अभी हमें आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इसे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, तो एक सिंपल वे में याद रखिएगा अभी हाल ही में आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, QX ग्लोबल सर ग्रुप को दिया गया है और ये हमारा 19th एडिशन है एशियन लीडरशिप अवार्ड का, उसके तहत ये अवार्ड दिया जा रहा है। अब ये बच्चों अहमदाबाद, दिल्ली, नोएडा सॉरी, बड़ौदा, इन सब जगह अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। एक तरीके से आउटसोर्सिंग होती है ना, आउटसोर्सिंग मतलब थर्ड पार्टी की तरह रिक्रूटमेंट वगैरह जो होता है बेटा, ये वही है। आगे देखते हैं, लीजिए भाई। अभी हाल ही में एम आर जे नायर बोल सकते हैं, MR जे नायर इन्होंने जीता है अभी बेस्ट ओरिजिनल स्कोर हाँ ग्रहण किया और इनको मिला है हॉलीवुड नॉर्थ फिल्म अवार्ड जो कि कनाडा बेस्ड नॉन प्रॉफिट एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा ठीक है। तो इनकी एक फिल्म है डॉक्यूमेंट्री ईयर EAR फेस एवरीथिंग एंड राइस, इसको जो डायरेक्टेड किया गया था मैनी बेसिंस और सरजे वेलबोव्स के द्वारा किया था, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है दोस्तों, कैनेडियन अवार्ड, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, लो भैया बहुत अच्छी न्यूज बच्चों। अभी हाल ही में महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो वन डिस्ट्रिक्ट वन ग्रीन कैंपेन के तहत, अवार्ड के तहत बात किया जाए तो हमारे 400 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेलेक्ट हुए कंपनी के, जिसमें 12 जो है बिहार के थे, तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत, तो ये भी पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं, लीजिए बहुत अच्छी नीति बच्चों। डायल मतलब दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो एक GMR ग्रुप का है, तो इसको अभी प्लेटिनम रिकॉग्नाइजेशन दिया जा रहा है ओवर 25 मिलियन पैसेंजर पर एनम कैटेगरी में और GMR हैदराबाद को मिला है गोल्ड रिकॉग्नाइजेशन बिलो 25 मिलियन पैसेंजर कैटेगरी में, याद रखिएगा। ये मैंने पहले ही पढ़ाया था, वहाँ पे दिल्ली वाला मैंने आपको बता दिया, याद रखिए आप। भाई अगली न्यूज के बारे में बात किया जाए तो वर्ल्ड वेस्ट बैंक की रैंक आ गई है जिसमें हमारा DBS डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ये फोर्ब्स के द्वारा रहा है वर्ल्ड का बेस्ट बैंक 2021 का, याद रखिएगा। और ये अगर बात कर जाए इंडिया की बात हो रही है, मतलब इंडिया में इसने वर्ल्ड बेस्ट के बैंक की तरह काम करा है और 30 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बैंकों में से इसको चुना गया है लगातार दूसरी बार, याद रखें। आगे देखते हैं भाई, अभी हाल ही में कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट और HDFC बैंक दोनों ने हाथ मिलाया है और ये वाइड रेंज के प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, ऐसा इनके द्वारा बोला गया, सिंपल है, आपको बताना जरूरी है। आगे देखते हैं, लीजिए दोस्तों। बच्चों कंट्री का पहला कार टी सेल थेरेपी, ये अभी बोन मैरो इसका यूज करके जो है आपका क्या करा गया है, आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर लिया गया है, मतलब ये एक्चुअली बच्चों ये जो हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है ना उसमें यूज होती है थेरेपी, और एक कहाँ पे हुआ है, टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में इसको करा गया है, किसका, कार टी सेल थेरेपी का इस्तेमाल करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और इसको जो सपोर्ट किया गया था किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थ्रू द नेशनल बायोफार्मा मिशन बायरेक के तहत करा गया था, याद रखिए। जनरली बेटो इसको करवाने में 3 से 4 करोड़ खर्चा आता है और ये हमारे इंडिया में अवेलेबल है नहीं। लीजिए भाई अभी हाल ही में नया SPS बना है कॉफी प्लांट का जिसका नाम बड़ा ही प्यारा है
एग्रो स्टेमिना आगे मन मन में पढ़ लेते हैं बेटा, बड़ा खतरनाक नाम है। और ये कहाँ मिला है? वागामोन हिल्स केरल में मिला है, ये भी आपको पता होना दोस्तों जरूरी है। और ये बेटा रूबिया सेकिया की फैमिली के परिवार का संबंधित है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। लो भाई बच्चों, अभी हाल ही में एक बुक टाइटल है जिसका नाम है तियानामन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट। इसको लिखा गया है अभी विजय गोखले जी के द्वारा, तो ये पता होना जरूरी है। और इसको पब्लिश करा जा रहा है हार्पर कॉलेज के द्वारा, ये पता होना चाहिए। एक्चुअली ये जो प्रोटेस्ट हुआ था तियानामन स्क्वायर प्रोटेस्ट चाइना में 1989 में, उसके ऊपर ये बात की गई है बुक्स में। आगे देखते हैं। लीजिए भाई भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बीसीसीआई ने बोला है कि जो हमारे आईपीएल 2021 है उनको यूएई में खोला जाएगा, खेला जाएगा सितंबर से अक्टूबर 2021 में, ये आप पता होना जरूरी है बच्चों। ये आपको सिंपल वे में पता होना चाहिए कि अभी कहाँ पे होंगे, यूएई में होंगे, याद रखना। जो रिमेनिंग मैच रहेगा, जो भी चल रहे थे बीच में कोविड के कारण रोक दिए गए, अब वो रिमेनिंग कहाँ होंगे? आपके यूएई में होंगे। आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी एस्प्लेसमेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड अप्राइजल, ये निकाला गया है यूएनडीपी इंडिया के द्वारा। एक रिपोर्ट कह सकते हो आप, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के द्वारा निकाला गया है एस्प्लेसमेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड अप्राइजल, ये हमारा रिपोर्ट निकाली गई है। अब इसमें अगर बात किया जाए दोस्तों, तो याद रखना यहाँ पे 49 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें से फाइव जो हमारे फाइव के सेक्टर्स को कवर करते हैं, जैसे हमारे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ठीक है, इसके ऊपर ही बात बोली पे याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाता है। ली भाई अभी हाल ही में एसआईडीएम यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, एसओएफएफ स्वीडिश सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंडस्ट्री, इन दोनों ने एमओयू साइन किया है और ये कंडक्ट कराएंगे इंडिया स्वीडन डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन, मतलब एक वेबिनार के द्वारा इनके जो है अभी एक कह सकते हैं ना कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके द्वारा इन्होंने आपस में हाथ मिलाया। अब याद रखना इसका थीम था वेबिनार का कैपिटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, और इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया था बेटा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थ्रू एसआईडीएम और एसओएफएफ के द्वारा इस करा गया। राजनाथ सिंह जी यहाँ पे चीफ गेस्ट थे, याद रखना। और यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे दोस्तों? स्वीडन के पीटर हल्टक्विस्ट थे, ये आपको बताना जरूरी है। आगे देखते हैं। लीजिए भाई जो अभी हाल ही में तीन इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस स्टार्टअप्स हैं, इनको सेलेक्ट कर लिया गया है किसके लिए? आपका बच्चों R&D के लिए, तो याद रखिएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट की गई हैं तीन इंडियन SMEs। अब वो कौन कौन सी हैं? प्रांति सॉल्यूशन, जयॉन इम्प्लांट्स और अनन्या टेक्नोलॉजी, ये तीनों को सेलेक्ट करा गया है। और तीनों के अलग अलग वर्क हैं दोस्तों, याद रखिए, आप थोड़ा सा घर पे रेड करिएगा। आगे देखते हैं। बीच वही एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के बारे में दोस्तों बात करता हूँ। इसने अभी हाथ मिलाया मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट माइकॉन इंडिया के साथ, माइकॉन इंडिया के साथ, जो कि एनर्जी इफिशियंट और क्लीन सॉल्यूशन वाला स्टील और माइनिंग इंडस्ट्री में प्रमोट करेगा एंड लॉन्च करेगा। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं क्लीन एनर्जी मतलब पॉल्यूशन ना हो, है ना, एनवायरमेंट फ्रेंडली वातावरण बनाया जा सके, स्टील प्रोडक्शन अच्छे से किया जा सके बिना इको एनवायरमेंट को लॉस पहुंचाए, उसके तहत ही बात बोली गई है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों बच्चों, अभी हाल ही में बहुत अच्छी न्यूज़ है, याद रखना, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसने अप्रूव कर दिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को अपॉइंटमेंट कर दिया है, जो कि 2.74 किलोमीटर लॉन्ग जो मसूरी टनल है प्रोजेक्ट उसको पूरा करेगा, ठीक है। और ये जो है बच्चों, इसके लिए 700 करोड़ का बजट रखा गया है, ये भी आपको बताना जरूरी है, ठीक। मतलब इसके लिए अभी इसको PMC अपॉइंट कर दिया गया है, याद रखिए। आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों बच्चों, UNGA ने बोला है एड्स को 2030 तक खत्म कर देंगे, ऐसा बोला गया है। एक सिंपल में पता होना चाहिए कि कब तक दूर करने की बात बोली गई है, 2030 तक दूर करने की बात बोली गई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं भाई। अभी हाल ही में फर्स्ट क्वार्टर का रिपोर्ट आया है, ठीक है, नाइट फ्रैंक रिपोर्ट के द्वारा। इसका नाम है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, इसमें इंडिया 55वें नंबर पर है, याद रखिएगा। और इसमें जो टॉप किया है टर्की ने किया है, ये भी आपको पता होना दोस्तों जरूरी है। फिर आपका न्यूजीलैंड, फिर आपका लग्जमबर्ग रहा है, ठीक है। और ये नाइट फ्रेंक के बारे में बात करें तो लंडन पर बेस्ड है आधारित, ये आपकी एक रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो हमारी डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनके लिए, चाहे उनका साइज कुछ भी हो, और जिनका साइज हमारा नॉन डिपॉजिट वाली जो है
जिनका चाहे 50,000 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उनको अब इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा। मतलब दो पॉइंट हैं, ध्यान से सुनना। ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो लोगों से पैसा लेती हैं, उनको तो कराना ही है। साथ में जिनका साइज 5,000 करोड़ से ज्यादा है, जो पैसा नहीं लेती, उनको भी इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा। और यहाँ पे बोला गया है, ये फ्रेमवर्क आपको 30 जून 2022 तक फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। अभी हाल ही में सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या करा है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को लपेट दिया। मतलब इसके ऊपर क्या लगा दी है, रोक लगा दी है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, और रोक तो लगाई है, साथ में क्या करा है, ऐसा क्यों करा गया, क्योंकि इसने डेट स्कीम लॉन्च कर दिया था 2 साल के लिए, और साथ में 5 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई है दोस्तों इसके ऊपर। ठीक है, ऐसा अभी बोला गया। चलिए आगे देखते हैं भाई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि आप जानते हैं, एशिया का पहला और वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसने अभी हाल ही में BASL बनाया है, मतलब अपनी एक फुली ऑन सब्सिडरी बनाई है, जिसका नाम है BSE एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड। तो ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लो भाई भाई, अभी डोंड्रा जी अभी बन गए हैं CAR, मतलब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर हेनरी मैरी डोंड्रा। इन्होंने बच्चों फिरमिन जी को रिप्लेस करा है, ये पता होना चाहिए। इसके बारे में बात करा जाओ तो यहाँ के जो करेंसी है वो है फ्रैंक, और कैपिटल है बांगुई, और प्रेसिडेंट इनका नाम बड़ा प्यारा है, फॉस्टिन जी हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। लीजिए भाई, बहुत अच्छा भाई। अभी हाल ही में अक्षय कुमार जी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन का। सीधे सा क्वेश्चन पूछेगा तो अक्षय कुमार, इसके अलावा जो पॉलिसी बाजार, लिव कार्ड, एनर्जी, हार्पिक, डॉलर, फोंडा, पता नहीं किस किस के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। टीवी पे आप देखते होंगे बच्चों, सारे एड पे मिलते हैं अक्षय कुमार जी, है ना। आगे देखते हैं लीजिए बच्चों, पीरामल कैपिटल हाउसिंग फिनेंस जो है, जो कि पीरामल एंटरप्राइजेस के अंतर्गत काम करता है, तो इसको अप्रूवल मिल चुका है NCLT के द्वारा कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को एक्वायर कर सकता है। कितने करोड़ में, 37,250 करोड़ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो दीवान हाउसिंग DHFL को लपेट दिया किसने, पीरामल ने। आगे देखते हैं चलिए भाई, अभी हाल ही में चाइना ने बोला है हम 4 सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट की मदद से। ठीक है, और ये हमारा त्योने सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से आपका लॉन्च किया जाएगा। चलो, अब इनका यूज़ किया जाएगा हमारा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग को, एस्ट्रॉयड रिसर्च एक्सप्लोरेशन डिजास्टर के बारे में को बात बोलना है। इनके नाम क्या क्या है, BJ3, HS2, YDU1 और TJ, ये इनके सैटेलाइट के नाम थे जो लॉन्च करने की बात बोली गई है। चलिए आगे देखते हैं लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। अभी हाल ही में गूगल ने बोला है कि हम अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करते हुए हम बनाने जा रहे हैं, केबल डाल रहे हैं, सबसी केबल, जिसका नाम है फिरमीना। तो ये दोस्तों फिरमीना जो नाम रखा गया है, एक्चुअली ब्राज़ील की फर्स्ट पोएट है जिनका नाम है मारिया फिरमीना दॉस राइस, इनके रेस्पेक्ट में नाम रखा गया है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, और एक गूगल के द्वारा बनाया जा रहा है, याद रखना। लीजिए भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो कि हमारा न्यू दिल्ली में बेस्ड इसका हेडक्वार्टर है, इसको अभी मिला है ASPAGNIIATM ट्रेडमार्क। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस ट्यूमर एंटीजन SPAG9 है, तो इसको ये ट्रेडमार्क मिल चुका है, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में इंटरनेशनल एल्बिज्म डे बनाया जाता है 13 जून वाले दिन। तो ये जो थीम था दोस्तों, स्टैंड बियॉन्ड ऑल ऑड्स का थीम है, याद रखिएगा, एल्बिज्म डे। तो एल्बिज्म के बारे में प्रमोट करते हुए जो है आपको बनाया जाता है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं, 1 मिनट पानी पी लो बेटा, भला सूख जाता है बच्चों, बोलते बोलते क्या कर सकता हूँ यार, है ना। देखो दोस्तों, कोशिश करते हैं कितनी न्यूज आती है कवर, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका जून कवर हो जाए, बढ़िया रहेगा, है ना फ्रेंड्स। चलो अगले न्यूज तो दोस्ती करते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी वर्ल्ड डोनर डे मनाया गया 14 जून वाले दिन, इसका थीम याद रखना बेटा, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। एक सिंपल वे में बताना जरूरी है, ये पहली बार 2005 में मनाया गया था, ये भी बताना जरूरी है। आगे देखते हैं लीजिए भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसराइल के अभी नए PM बन गए हैं नेफ्ताली बेनेट। तो नेफ्ताली बेनेट बने हैं अभी हाल ही में इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर, और ये 13वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों। इसराइल के कैपिटल है जेरूसलम, और प्रेसिडेंट हैं
यहाँ के र्यूवेन रिविलिन जी ऑस्ट्रिया के इसकी करेंसी है। आगे देखते हैं, लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी हाल ही में G7 ने बनाया है B3W इनिशिएटिव। मींस B3W का मतलब बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, एक इनिशिएटिव है इनके द्वारा चलाया गया जिससे कि चाइना का जो बेल्ट एंड बॉर्डर इनिशिएटिव है उसको टक्का दी जा सके, उसको जो है तरीके से पीछे करा जा सके। और ये चाइना का जो इनिशिएटिव है बेटा, ये हमारा 2013 में आया था और ये डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट से संबंधित है एशिया और यूरोप में। चलिए आगे देखते हैं भाई, लीजिए मध्य प्रदेश ने दोस्तों लॉन्च किया है युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान। लीजिए भाई, फ्री फ्रॉम कोरोना विद द यूथ ऑफ कैंप पावर कैंपेन है ना, तो भाई युवा शक्ति की मदद से कोरोना को दूर करने के लिए लॉन्च किया गया है कैंपेन, और इसको चलाया जाएगा हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, लोगों को अवेयर करा जाएगा कि आप कोरोना में क्या क्या सावधानी रखें, क्या क्या कर सकते हैं, सब बातें बताई जाएंगी। लीजिए भाई, अभी हाल ही में इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है पहली बार 600 बिलियन डॉलर पार कर चुका है दोस्तों, और इंडिया ने क्या करा है, रशिया और इंडिया दोनों टाई अप हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पे जून की रिपोर्ट के अनुसार है। बात करके गया बच्चों, ये अभी डेटा जुलाई में भी आया था, तो आप प्लीज लेटेस्ट वाला जरूर ध्यान रखें, कोई ज्यादा खास नहीं इसलिए बता रहा हूँ। आगे देखते हैं, लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, इसने तेलंगाना के साथ हाथ पांव मिला लिए हैं, यानी कि एग्रीमेंट साइन किया और लॉन्च कर दिया है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। मतलब आप देखिए, मेडिसिन को ड्रोन की मदद से लोगों तक पहुंचाया जाएगा तेलंगाना में, ऐसा यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने लॉन्च कराया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में सेबी के बोर्ड में आनंद मोहन बजाज जी को शामिल कर लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, बोर्ड ऑफ मेंबर के तौर पर हमारे सेबी के इसमें शामिल कर गए हैं बच्चों। सेबी में अगर बात करें तो यहाँ पे एक चेयरमैन होते हैं, दो मेंबर होते हैं, ये पता होना चाहिए, दो मेंबर बिलोंग करते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, और आपके अगर बात करें तो 5 डिफरेंट मेंबर्स होते हैं जो हमारे फुल टाइम मेंबर्स वगैरह के तौर पे भी अपॉइंट किया जाता है, ठीक है याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, सेबी के चेयरमैन मिस्टर अजय त्यागी, ये पता होना जरूरी है। लीजिए बच्चों, अभी डॉक्टर मुकेश शर्मा जी जो कि हमारे IIT कानपुर के एक प्रोफेसर हैं, इनको अभी WHO का ग्लोबल एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप GAPHTA का ऑनरेरी मेंबर, सम्मानित एक तरीके से मेंबर के तौर पर चुन लिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, पता होना जरूरी है, IIT के प्रोफेसर हैं कानपुर के। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात किया जाए तो बच्चों, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कोस्टा रिका के इकोनॉमिस्ट हैं, इनका नाम है रेबेका ग्रैंसपन, इनको यूनाइटेड नेशन एजेंसी प्रमोटिंग ट्रेड और डेवलपमेंट का हेड बना दिया गया है, और पहली महिला है दोस्तों और सेंट्रल अमेरिकन है जो कि क्या बनी है, इस ऑर्गेनाइजेशन की हेड बनी है, याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन और सेंट्रल अमेरिकन, याद रखिएगा दोस्तों, जो इसको आप मतलब इसको लीड करेगी यूनाइटेड नेशन एजेंसी प्रमोटिंग ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है अटांड की। चलिए आगे देखते हैं, लो भैया बच्चों, KL जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो डीम्ड मतलब KL जो हमारा KL यूनिवर्सिटी कह सकते हैं इजी में, उसको बच्चों अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन ग्रीन चैंपियन के तहत अभी जो है अवार्ड दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर बात बोली गई है, ये आपको पता होना जरूर, भारत सरकार के द्वारा KLU को वन डिस्ट्रिक्ट वन ग्रीन के तहत जो है अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लीजिए बताएं बच्चों, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ योगा ने 11 जून वाले दिन निकाला है नमस्ते योगा, लो भैया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा क्या करा गया, लॉन्च किया गया है, याद रखिए, मोबाइल ऑफ एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा निकाली गई नमस्ते योगा। और याद रखना बच्चों, आपको पता है 21 जून को होता है इंटरनेशनल योगा डे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई, अभी फ्रेंच ओपन जो टाइटल हुआ था उसके विनर्स की लिस्ट आपके सामने है, मेंस में जीता है नोवाक जोकोविक ने, वुमेन्स में जीता है बर्बोरा ने, बस दो जरूर अटके जाना, क्योंकि अगर आगे में इंडियन नहीं है तो इससे जरूरत नहीं है, आगे क्या पढ़ लीजिएगा अपने, एक बार रिवाइज करना जरूर ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं लीजिए बच्चों, अगली न्यूज की बात करा जाए तो असम सरकार ने बोला है कि हम अपना अपना वर्जन बनाएंगे भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स का। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बात बोली है, मतलब जैसे हमारे भारत सरकार भारत रत्न अवार्ड देती है बच्चों, पद्म अवार्ड्स देती है, वैसे अपने अवार्ड बनाएंगे यहाँ पे बोला जा रहा है। अब देखिए भैया, अब क्या क्या नाम रखे जाएंगे इसके, जैसे कि भैया अगर बोला जाए तो जैसे कि असम विभूषण अवार्ड है ना, असम भूषण और असम श्री, जैसे पद्म श्री वगैरह होते हैं ना, उस तरीके से बनाए जाएंगे, और इसमें जो है आपके 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए का प्राइज दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दोस्तों अभी जस्टिस
एके सिकरी जो है अभी जो ग्रेवियस रिटायर बोर्ड है वो इसको चेयर करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा ऐसा यहाँ पे बोला गया है। एके सिकरी मतलब अर्जुन कुमार सिकरी जो है ग्रेवियस रिटायर बोर्ड को हमारा शेयर करने मतलब अभी चेयर करने जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया, आपको बताना जरूरी है। आगे देखते हैं, लीजिए अगली न्यूज के बारे में बात किया जाए तो बच्चों भारतीय एयरटेल के जो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं अजय पुरी, इनको री इलेक्ट कर लिया गया है चेयरमैन के तौर पर 21 से 22 के लिए। दो भैया मजे आ गए इनके, तो भारतीय एयरटेल के अजय पुरी क्या बनाए गए हैं आपके चेयरमैन ऑफ द इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये आपको पता होना जरूरी है, COAI, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दो भाई एक सिंपल सी न्यूज है बच्चों, अभी हाल ही में जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन है मई में 6.3% रहा था, अब ये डेटा बदलता रहता है, एक सिंपल वे में आपको बताना चाहिए, जो जून में रिपोर्ट आई थी एक लाइन की रिपोर्ट है और कुछ नहीं। आगे देखते हैं, लीजिए ये है बढ़िया बच्चों, अभी हाल ही में जो 47G7 लीडर्स समिट 2021 का हुआ है, ठीक, और ये हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ है 11 से 13 जून 2021 में, कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में जगह है कॉर्नवॉल, तो ये आपको पता होना जरूरी है। और इसको होस्ट किया गया है यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, और इस बार की जो प्रेसिडेंसी G7 यूके के ही हाथों में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी ने भी इसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट करा, और इन्होंने दोस्तों एक तरीके से वन अर्थ वन हेल्थ की अप्रोच रखी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और इसका थीम वही है B3W मतलब बिल्ड बिल्डिंग बैक बेटर, वही जो मैंने बताया पीछे ना वही चीज़ है। और इसके अलावा दोस्तों याद रखना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये हमारे गेस्ट कंट्री थे, ये पता होने चाहिए, ठीक, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और पहली बार जो 47G7 समिट हुआ है इसको दोस्तों फर्स्ट एवर नेट 0G7 मतलब एक तरीके से यहाँ पर टारगेट रखा है कि हम जो है कार्बन इमिशन कम करेंगे 2050 तक, ऐसा बोला गया है, ठीक, यहाँ पर बोलने की बात बोली गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं भाई, अभी हाल ही में इंडिया के विनो विनू मनकड़ इनको जो है बच्चों हॉल ऑफ द फेम में शामिल कर लिया गया है, तो मतलब इनके साथ 9 लोग बोल रहे हैं फिलहाल इंडिया के हैं, तो 10 पर्सनैलिटी अभी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं फिलहाल इंडिया के, याद रखना सारे के सारे नाम भी घर पर पढ़ लेना बैठ के आराम से। आगे देख भाई, अभी हाल ही में सुरेश रैना ने अपनी बायो ऑटोबायोग्राफी निकाली है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, और इसको भरत सुंदरशन सुदर्शन के द्वारा क्या करा गया है दोस्तों को ऑथर किया गया है, ये भी आपको पता होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए दोस्तों भाई अगले न्यूज के बारे में बात किया जाए तो स्कॉटलैंड की कैथरीन बर्से एंड बांग्लादेश के मुशफिर रहीम, ये हमारे विनर रहे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऑफ द मई, तो मई के आपको पता होना चाहिए कौन कौन है, स्कॉटलैंड की हैं और बांग्लादेश के हैं, याद रखिए। आगे देखते हैं, लीजिए बच्चों अभी हाल ही में दीप गुकेश जी इन्होंने गर्लफ्रेंड चैलेंजेस टाइटल जीत लिया है चेस का, ये एक बहुत अच्छा आपको, और इनके लिए $15,000 इन्होंने जीते हैं, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, और जो अभी हाल ही में एक डे बनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, 15 जून वाले दिन हर साल ये बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, बस सिंपल वे में और कुछ नहीं। लीजिए भाई अभी हाल ही में जो राजनाथ सिंह जी ने इनॉगरेट करें 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि BRO के द्वारा बनाए गए हैं, कहाँ पे, सीमा सड़क भवन न्यू दिल्ली में, ठीक है, और याद रखना दोस्तों पहली बार फर्स्ट एवर सोलो वुमेन मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन भी किया गया था हमारा अभी कंचन उगुर संडी के द्वारा, ये कहाँ पे, लद्दाख में, याद रखिएगा, और ये वापिस भी लौट के आएंगे। चलिए आगे देखते हैं, लो भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया के लिए, ठीक है, और प्रोजेक्ट O2 जो है इनिशिएटिव है किसका, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का, तो इसका मेन पर्पस क्या है दोस्तों, इसका वही मेडिकल ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है कमी को पूरा करना है, यहाँ पे इसको लाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में आएगा, रेवअप कौन लाया, रेवअप लाया तेलंगाना, याद रखना तेलंगाना के द्वारा तेलंगाना आर्टिफिशियल मिशन TM को लॉन्च करा गया है, और इसके साथ लेके आए हैं रेवअप, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए, बच्चों याद रखना ये पहला स्टेट है जिसने क्या करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया है, और फर्स्ट एडिशन जो है आपका रेवअप का एक्सीलेटर प्रोग्राम में लॉन्च कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए बहुत अच्छा न्यूज भाई, अभी उड़ीसा में बनाया गया एक फेस्टिवल जिसका नाम है राजा प्रभा, और ये वुमेनहुड मतलब एक तरीके से जो हमारी होती है ना प्रकृति में जिन्हें हम बोलते हैं मदर अर्थ को रेस्पेक्ट देते हुए मनाया जाता है, याद रखिएगा हर साल। आगे देखते हैं दोस्तों, लीजिए बच्चों अभी इंडिया ने पहली बार फर्स्ट कमर्शियल कंसाइनमेंट है GI टैग
आपके जरदालू मैंगो को भेजा है भागलपुर से, कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम। लोग वही आम भेज दिए हैं, एक सिंपल वे में याद रखना, और कुछ खास नहीं है इसमें। आगे देखते हैं, लीजिए। जो अंबुजा सीमेंट का नाम सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसने अभी नाबार्ड के साथ हाथ मिलाया है और इसने बोला है हम लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। लो भाई, स्किल्स प्रोवाइड करने के अंबुजा ने हाथ मिलाया है नाबार्ड के साथ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाथ मिलाया है अभी मो इंगेज, तो मतलब एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, सॉरी, स्मॉल बैंक ने, जिसका नाम मो इंगेज, जिससे कि हमारे जो अनडिजर्व और अनसर्व रीजन्स हैं कंट्री के, वहाँ पे बैंकिंग सर्विस दी जा सके। तो ये यहाँ पे बात बोली गई उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, ये कस्टमर एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है। लीजिए भाई दोस्तों, अभी बंगलुरु बेस्ड एक नवी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसने बच्चों बहुत बढ़िया काम करा है, इसने ईएमआई बेस्ड, लो भैया, मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। क्या आपने कभी सुना है कि ईएमआई में भी वही इंश्योरेंस हो रहा है, और क्या चाहिए। लीजिए, नवी जनरल इंश्योरेंस लाया है, याद रखिए, और नवी जनरल इंश्योरेंस होली ओन सब्सिडरी है सचिन बंसल की, नवी टेक्नोलॉजीज के अंतर्गत काम करती है, और ईएमआई बच्चों मात्र 240 रुपये पर मंथ से शुरू हो सकती है। और यहाँ पर जो कवर होगा इंश्योरेंस, 2 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कवर किया जाएगा इंडिविजुअल और फैमिलीज का। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS जो है उसको 31 अगस्त से एक्सपेंड कर सकते हैं। 31 अगस्त तक एक्सपेंड करने की बात पूरी कही है, इसके स्कोप को और बढ़ाएंगे। मतलब स्कोप को बढ़ाने का मतलब ये है, अभी बच्चों ये लिमिटेड है, इसमें और चीज़ें हम जोड़ेंगे, जैसे कि मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज भी कर सकता है, बिलर कैटेगरी जोड़ेंगे, जिससे कि और ईजी में इसे, मतलब लोगों को और ज़्यादा उसका कह सकते हैं कि फ़ायदा उठा सकें और लाइफ को आसान बना सकें। आगे देखते हैं, लो भाई, भाई अभी स्नैपडील ने बोला है क्रिश कोपर जी हमारे क्या बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ टेक्नोलॉजी। अब सिंपल में बताना जरूरी है, क्रिश कोपर जी को वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड ने अमित जैन को अपना ग्लोबल CEO बना दिया है, ये भी आपको बताना चाहिए, और इन्होंने विकेश ओगरा को रिप्लेस करा है, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलो आगे देखते हैं, लीजिए भाई, अभी हाल ही में बच्चों 130 इंडियन पीस मेकर, ठीक है, तो उसमें जो यूनाइटेड नेशन मिशन के साउथ सूडान का मिशन था उसमें बिजी थे, उसमें अभी जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए उनको UN मॉडल से आपका सम्मानित किया गया है, जिसमें 100 लगभग 130 इंडियन पीस मेकर से, याद रखिएगा। अगली न्यूज के बारे में बात किया जाए दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार का मेगा डगमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, याद रखना दोस्तों, ये इसको इनिशिएट करने के लिए, मतलब बिहार ने क्या करा है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसको मतलब इनिशिएट करने के लिए NHPCL के साथ, यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के साथ हाथ मिलाया है, जिससे इसको इनिशिएट किया जा सके। और ये जो प्रोजेक्ट है बच्चों कोसी नदी के ऊपर बना, वो सापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, लो भाई, बच्चों एमिरेट्स ग्रुप सिक्योरिटी और GMR एविएशन अकेडमी, इन दोनों ने हाथ पांव मिलाए हैं, एग्रीमेंट साइन किया, और ये बनाएंगे बच्चों, डेवलप करेंगे, इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, और भाई एविएशन सिक्योरिटी को मजबूत बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं भाई, अभी IIT रोपड़ के बारे में बात किया जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी IIT रोपड़ ने बनाया है जीवन वायु, और ये बच्चों एक हमारा क्या है CPAP मशीन के तौर पर इस्तेमाल होगा। याद रखना दोस्तों, ये जो बनाई गई है खुशबू राखा के द्वारा बनाई गई है डिवाइस, ठीक है, और ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं, लो भाई बच्चों, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है एक मिशन जिसका नाम है इनविजन, और ये जो है मिशन बच्चों वीनस का है, 2030 तक ये जो है आपका लॉन्च किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर प्रॉबेबली है, तो 2030 से पहले ही करेंगे ऐसा यहाँ पर बोला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लो भैया, इंडियन कोस्ट गार्ड ने बच्चों अभी फर्स्ट 3 16 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स MK3 डिजाइन कर लिए हैं, और इनको जो है अपन मतलब इनको मिले हैं, और इनको HAL ने बनाया है, या था, ठीक है, और HAL जो है बच्चों 16 AL के सप्लाई करेगा मिड नेक्स्ट ईयर 2022 तक, पे बात पूरी गई है। अगली न्यूज देखते हैं, लो भैया है, बहुत इजी बच्चों, अभी एक 15 मीटर टॉल ट्री है जिसका नाम है पायरोस्टेरा स्टेरिया, ठीक है, ये अभी जो है हमारा पाया गया है कहाँ पे, अंडमान आइलैंड में आपको बोला गया है। चलो दोस्तों एक बार देखते हैं कहाँ तक हमने न्यूज कवर कर लिए है ना, उसके बाद अगर मैं देखता हूँ आगे होगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज उसको नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। एक मिनट देखते हैं, वेट कीजिए प्लीज। ओके दोस्तों, तो हमने 249 न्यूज तो कवर कर लिया है आपके साथ,
249 के आप 250 कर लेते हैं यार, एक आध और पढ़ लेते हैं, या फिर अगर देखा जाए 249 है ना, 250, ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अरे यार, तो कमाल कर ही दिया मेरा भाई चारू जी ने। एक मिनट रुक जाओ, टोटल है हमारे, चलिए चलिए काम करते हैं दोस्तों, 249 तक कर ले, 250 तक कर लेते हैं। लो अगली न्यूज़ और देख लो, जो 250 में बात करा जाए तो अभी हाल ही में मीरा बाई चानू जी, जैसे कि आपको पता है, टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो गई है 49 कैटेगरी में। ये भी आपको पता होना जरूरी है, यानी कि कौन सी कैटेगरी में आपका दोस्तों 49 किलो का आपकी कैटेगरी में। और इसके अलावा बात करा जाए इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के बारे में, दोस्तों याद रखना इसके प्रेसिडेंट, इसका हेडक्वार्टर याद रखना लॉस एंजेलिस स्विट्जरलैंड में। चलो दोस्तों 250 पे लगाते हैं रोक, आगे की कहानी करेंगे हम बाद में आप सभी के साथ, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की कहानी रहने देते हैं। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। वेट देखो बच्चों, मेरा जो बैच चल रहा है अभी अभी हाल ही में बात करूँ तो सुबह 7:30 बजे बैंकिंग का कोर्स चलता है, सारे स्टूडेंट्स में आइए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हाल ही में कुछ न्यू कोर्सेज आए, इनका भी आप बेनिफिट लीजिए दोस्तों, है ना, बेनिफिट लेना शुरू कर दो। और कोई भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेता है बेटा, तो मेरा रेफरल कोड है गेट लाइव, सॉरी सुकेश सर भी लगा सकते हो, गेट लाइव भी लगा सकते हो, वो आप जरूर लगाएं। और अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए तो अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लो, रोज एवरी संडे सुबह 10 बजे होता है, इस संडे भी होगा, जरूर हिस्सा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब आज तो सैटरडे है, कल हो यानी कि, है ना। चलिए आगे देखते हैं, और याद रखना कोई भी स्टूडेंट अगर अनकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो मेरा रेफर कोड है गेट लाइव, आप यूज़ कीजिए। और क्लास अच्छी की तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।